जय हिंद साथियों, मैं उमेश हिराम टीचिंग के लिए टीजीटी पीजीटी जीआईसी लेक्चरर एलटी असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट एवं जेआरएफ के लिए भूगोल की बेहतरीन क्लासेस अब मैं लेकर आ रहा हूँ आपके अपने एग्जाम तरकस यूट्यूब चैनल पर। तो आज ही सब्सक्राइब करें और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश हिराम एग्जाम तरकस के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। एक बार आप सभी लोग कमेंट करेंगे कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, सब कुछ अच्छे से दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। एक बार आप सभी लोग कमेंट करेंगे, यहां पर मैं देख पा रहा हूं अजीत राव जी का है, सुधांशु गुप्ता है, निधि सिंह है, विवेकानंद जी का मैं देख पा रहा हूं, सुनील कुमार जी हैं, सभी लोगों का कमेंट आना शुरू हो गया है। प्रेम जी हैं, जंग बहादुर प्रजापति जी हैं, बिजमा वर्मा है, प्रमोद गुप्ता हैं, सभी लोगों का कमेंट आ रहा है। रेशमा यादव हैं, संजय पांडे जी हैं, शिवम सिंह हैं, सभी लोग कमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल, अंजू पाल हैं, मनीषा शर्मा हैं, बिल्कुल जसलोक हैं, बीडी कनौजिया हैं, मनीषा, नीरज जी हैं, सभी लोग कमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल, गीता वर्मा जी हैं, एस सर आ रहा है, शंकर लाल जी का है, गुड मॉर्निंग, साक्षी हैं, तेजस्विनी हैं, कमलाकर हैं, सोनी हैं, दिलीप सिंह जी हैं, साक्षी हैं, सभी लोग कमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल, प्रिया सिंह जी हैं, एस सर लिख के, भोला, सोनी, सभी लोगों का आ रहा है कमेंट। आइए हम लोग क्लास कंटिन्यू करते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं ज्वालामुखी, और जो हम लोगों ने कल पढ़ा उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग झलक लीजिए, थोड़ा सा आप लोग उसे देखिए। बिल्कुल, यहाँ पर आप लोगों के सामने ज्वालामुखी लिखा गया, और मैं कल बताया आप लोगों को कि ज्वालामुखी का तात्पर्य उस छिद्र अथवा दरार से होता है जिसके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग से तप्त गैस, विखंडित पदार्थ, लावा एवं जलवाष्प का निर्गमन होता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो ज्वालामुखी है उससे निकलने वाले कुछ पदार्थ होते हैं, उन निकलने वाले पदार्थों को अगर देखा जाए तो निकलने वाले पदार्थों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया जाता है, गैस एवं जलवाष्प, विखंडित पदार्थ और लावा। गैस एवं जलवाष्प को हम लोग देखे थे, इसमें कौन कौन से गैस निकलते हैं और किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। प्रश्न बन चुका है आपके परीक्षाओं में, प्रश्न बन चुका है कि सर्वाधिक ज्वालामुखी उद्गार के समय सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पदार्थ निकलता है, तो आप लोगों का उत्तर जलवाष्प होता है और आप लोग कल उत्तर दे भी रहे थे। रेशमा यादव, क्या हो गया, झारखंड पीजीटी के लिए क्या स्पेशल क्लास था, प्लीज़ बताएं। बिल्कुल नहीं, आज हम लोग क्लास लेंगे झारखंड के लिए, संडे है, एप्लीकेशन पे लेंगे क्लास। चलिए, विखंडित पदार्थ को हम लोग देखें तो इसे तीन भागों में हम लोग बांट रहे हैं, टफ, लैपली, बम्ब और ब्रेसिया। जो टफ है वो धूल राख का कण है, लैपली मटर के दाने के समान है, बम्ब बड़े बड़े चट्टानी खंड है, और ब्रेसिया को देखा जाए तो कूड़ाकृत है। लावा देखा जाए तो लावा स्टेनोस्फीयर से मैग्मा निकल के ऊपर जाता है और क्रस्ट को पार करते हुए जब पृथ्वी के धरातल पर यह बहता है तो इसे लावा कहा जाता है, यही बाह्य आग्नेय चट्टान होगा। फिर हम लोग देखें कि सिलिका के आधार पर लावा को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, एक अम्लीय लावा और दूसरा क्षारीय लावा। जो अम्लीय लावा है इसे हम लोग इटली का स्टाम्बोली, फ्रांस का पाइल, रोम में देख सकते हैं, और जो क्षारीय लावा है जो बेसाल्ट का होगा वहाँ अगर उसको देखना है तो हवाई द्वीप पर मोनालोवा, भारत का दक्कन ट्रैप, इस तरह से आप लोग देख पाएंगे। इसके बाद ज्वालामुखी के अंगों के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि ये जो स्टेनोस्फीयर है, ज्वालामुखी का घर है, मैग्मा है, क्रस्ट है, यहाँ से मैग्मा ऊपर की तरफ निकलता है और परतों के रूप में ये जमा होता जाता और ऊपर की तरफ चला जाए, जिसे हम लोग ज्वालामुखी शंकु के नाम से जानते हैं। और ये जो भाग है इसे ज्वालामुखी का पाइप कहते हैं, और यहाँ पर जहाँ से ये मैग्मा निकलता है लावा के रूप में उसे ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं, और जो छोटा मुख होता है उसे क्रेटर, जो बड़ा मुख होता है उसे हम लोग कालडेरा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर क्रेटर और कालडेरा के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखे थे, घोसलाधार कालडेरा के बारे में हम लोगों ने देखा था। बिल्कुल, चलिए, लक्ष्मी नारायण जी आपको भी गुड मॉर्निंग, चंद्रशेखर जी गुड मॉर्निंग, सभी लोगों का
गुड मॉर्निंग आ रहा है तो सभी को एक साथ मेरी तरफ से आप लोगों को गुड मॉर्निंग। हवाई द्वीप में अभी क्या लिखे हैं, विस्फोट हुआ है सर जी, बिल्कुल साक्षी जी। आगे हम लोग देखें, यहाँ पर लिखा गया है ज्वालामुखी के प्रकार। तो जो ज्वालामुखी का प्रकार है अगर उसे देखें तो इसे दो प्रकारों में हम लोग बांटते हैं, एक सक्रियता के आधार पर, दूसरा उद्गार के आधार पर। और सक्रियता के आधार पर हम लोगों ने ज्वालामुखी को देखना शुरू किया था। तो सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन से तीन श्रेणी बनते हैं, तो एक सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी, दूसरा प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी और तीसरा शांत या मृत ज्वालामुखी। इतने दूर तक हम लोगों ने देखा था, इतने पॉइंट्स को हम लोग क्लियर किए थे, देखे थे। अब इसके आगे आप लोग सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी के बारे में सीखेंगे, देखेंगे, ध्यान देंगे कि हम लोग ज्वालामुखी को का जो उद्गार होता है उसे दो भागों में बांट के हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, एक सक्रियता के आधार पर और दूसरा उद्गार के आधार पर। तो जो सक्रियता के आधार पर है उसको हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। कौन कौन से तीन भाग, एक तो आप लोगों का खुद सक्रिय ज्वालामुखी हो जाएगा, दूसरा प्रसुप्त या सुसुप्त हो जाएगा और तीसरा शांत या मृत हो जाएगा, जिसके बारे में हम पिछली क्लास में आप लोगों से कल चर्चा किए भी थे। बिल्कुल प्रेम जी का आ रहा है, सब लोग शेयर कर दीजिए। बिल्कुल प्रेम जी आइए, एक नंबर की आप लोग हेडिंग बनाएंगे, एक नंबर पे आप लोग हेडिंग बनाएंगे और हेडिंग में आप लोग लिखेंगे, हेडिंग में आप लोग लिखेंगे सक्रिय ज्वालामुखी। एक नंबर पे आप लोग लिखेंगे सक्रिय या फिर जागृत ज्वालामुखी, सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी। अब देखिए यहां पे बड़ा सिंपल सा है, बस ध्यान से आप लोग देखते चलेंगे, चीजें क्लियर हो जाएगी। सक्रिय ज्वालामुखी है क्या, सक्रिय ज्वालामुखी है क्या, तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इसमें कुछ ज्यादा आपको करना ही नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख से निकलने वाले पदार्थ, ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख से निकलने वाले पदार्थ या निश्रित पदार्थ जिसे आप लोग बांट रहे थे कितने भागों में, तो आप लोग तीन भागों में बांट रहे थे। कौन कौन से तीन भाग हो रहे थे, एक तो हो रहा था गैस एवं जलवाष्प, दूसरा विखंडित पदार्थ और तीसरा जो आप लोग बांट रहे थे वो तीसरा कौन सा था, लावा था। तो वही निकलने वाले पदार्थ है। तो कोई आपसे कह दे कि सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, तो आप कहिएगा कि ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख से निकलने वाले पदार्थ, गैस जलवाष्प विखंडित पदार्थ एवं लावा निरंतर निकलते रहते हैं उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। वर्तमान में इनकी संख्या लगभग 500 है, बात समझ गए। अब देखिए कि अगर कोई कहे तो और ज्यादा बड़ा कर सकते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख से गैस जलवाष्प धूल राख के कण, है ना, अब आप लोग समझते चलिएगा, धूल राख के कण, मटर के दाने के आकृति के कण जिसे आप लोग लैपली कह रहे थे, बड़े बड़े चट्टानी खंड एवं धूल राख एवं कोणाकृत आकृतियां तथा लावा निकलते रहते हैं उसे हम लोग सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। मतलब जो आप लोगों का मन करे वो बनाइए। अगर आप कॉन्सेप्ट पीछे से क्लियर किए हैं तो फिर कुछ भी आपसे कोई पूछे और जो भी पूछेगा आप कर पाएंगे। तो सक्रिय ज्वालामुखी कहते किसे हैं, सक्रिय ज्वालामुखी कहते किसे हैं, अगर कोई पूछ दे तो आप क्या करेंगे, मैं यहां पर लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, ध्यान से देखें, बल्कि मैं लिख दूं हल्का सा कि चीजें आप लोगों को क्लियर हो। ऐसे ज्वालामुखी में रटने की कोई जरूरत नहीं, बस आप समझे होंगे पिछली क्लास और आगे वाली क्लास आराम से करते चले जाएंगे। सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी क्या है, ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख से निकलने वाले पदार्थ, अब मैं निकलने वाले पदार्थ पढ़ा चुका हूं तो उसमें कुछ करना ही नहीं है, जिनके मुख से निकलने वाले पदार्थ निरंतर निकलते रहते हैं उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं।
देखिए कितना सिंपल सा परिभाषा आप लोगों के सामने आ गया कि ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख से निकलने वाले पदार्थ निरंतर निकलते रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग सक्रिय ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। ये जो सक्रिय ज्वालामुखी है ना, अगर इसके एग्जाम्पल को देखा जाए, जो आप लोगों से सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो उदाहरण ही पूछा जाता है, तो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण अगर देखा जाए, उदाहरण देखा जाए तो उदाहरण आप लोगों के सामने मैं करता हूं। एक तरफ इस उदाहरण को समझने के लिए एक तरफ आप लोग लिखेंगे कि जो ज्वालामुखी है मतलब देश या स्थान, दूसरे तरफ ज्वालामुखी। एक तरफ आप लोग लिखिएगा देश या फिर स्थान और दूसरे तरफ आप लोग लिखिएगा ज्वालामुखी, दूसरे तरफ ज्वालामुखी। अब देश या स्थान में एक नंबर पे आप लोग लिखते चलेंगे, बताते चलेंगे, एक नंबर पे हवाई द्वीप, हवाई द्वीप। हवाई द्वीप पर जो ज्वालामुखी है, क्योंकि और नजदीक किया जाए इसे, ज्वालामुखी, और जो हवाई द्वीप पर है ज्वालामुखी उसका नाम क्या है कमेंट करिएगा आप लोग। तो वहां यहां पर जो ज्वालामुखी है इसका नाम है किलायू, और एक है जिसका नाम है मौना लोहा, मौना लोहा। कमेंट करते रहिएगा आप लोग, मौना लोहा। एक तो है आप लोगों का, एक तो आप लोगों का किलायू, दूसरा मौना लोहा। फिर हम आपको देते हैं सिसली द्वीप, सिसली द्वीप। ये देखिए हवाई द्वीप ना प्रशांत महासागर के मध्य में स्थित है, प्रशांत महासागर के मध्य में स्थित है। हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु है, जिसे प्रशांत महासागर का क्रॉस रोड के नाम से या चौराहे के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। और ये हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन है। सिसली द्वीप को देखा जाए तो सिसली द्वीप आप लोगों को भूमध्य सागर में मिलेगा, और ये सिसली द्वीप आप लोगों को इटली के पास मिलेगा। तो यहाँ पर सिसली पर कौन सा ज्वालामुखी है कमेंट करते रहेगा आप लोग। तो यहाँ पर जो ज्वालामुखी है उसका नाम है एटना, मैं देख लूँ आप लोगों का, बिल्कुल एटना ज्वालामुखी है जो सिसली द्वीप पर है, है ना। नेक्स्ट हम आप लोगों को लेके चलते हैं तीसरे नंबर पे इक्वेडोर, इक्वेडोर पे कौन सा है कमेंट करिएगा आप लोग। इक्वेडोर दे दे आप लोगों को, या फिर एंडीज भी कभी कभी लिख देता है ना, एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वत भी लिख देता है। एंडीज पर कौन है, इक्वेडोर पर कौन है, तो इक्वेडोर पे है कोटापैक्सी, कोटापैक्सी लिखते चलिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सब। चौथे नंबर पे लिपारी द्वीप, बहुत फेमस है ये लिपारी द्वीप, ये आप लोगों को मिल जाएगा भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में आप लोगों को मिलेगा, बहुत फेमस है स्ट्रम्बोली, स्ट्रम्बोली है ना, स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी हो जाएगा लिपारी द्वीप पर। लिपारी पर कौन सा हो जाएगा, स्ट्रम्बोली, बिल्कुल। और नेक्स्ट आप लोग लिखेंगे पांचवें नंबर पे, पांचवें नंबर पे आप लोग लिखेंगे अंटार्कटिका, 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 ये आपके रास द्वीप पर है, ध्यान रखेंगे रास द्वीप पर स्थित है, और इसका नाम है इरेबस, इरेबस मिलेगा, या फिर इरेबस भी इसी को कहते हैं। अंटार्कटिका पर आप लोगों को मिलेगा, अंटार्कटिका पर ये आप लोगों को मिलेगा। तो पांच हो गया आप लोगों का, हो गया। नेक्स्ट अर्जेंटीना एवं चिली के सीमा पर चलें, ओजल डेल सलाडो की तरफ, यहां से मैं लाइन बना दे रहा हूं, और पुनः यहां पर आप लोग देश या स्थान, और यहां पर आप लोग लिख लेंगे ज्वालामुखी, यहां पर ज्वालामुखी। चलिए अब यहां पर लिखिएगा
अंटार्कटिका के बाद नेक्स्ट आप लोग छठे नंबर पे लिखिएगा अंडमान, अंडमान भारत। जरा आप लोग कमेंट करिएगा तो अंडमान भारत में कौन सा ज्वालामुखी है जो सक्रिय है, ये 1991 से चल रहा है, जिसे आप लोग बैरन द्वीप ज्वालामुखी कहते हैं। नेक्स्ट अर्जेंटीना चिली सीमा पर, अर्जेंटीना चिली सीमा पर बहुत फेमस है, चिली सीमा पर, अर्जेंटीना चिली सीमा पर जो ज्वालामुखी है ना, ये बहुत फेमस है, जिसे आप लोग कहते हैं ओजल डेल सलाडो। क्या कहते हैं? ओजल डेल सलाडो कहते हैं, बहुत फेमस है अर्जेंटीना और चिली सीमा पर। नेक्स्ट लिखिएगा, हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में आप लोग लिख लीजिएगा माउंट सेंट हेलेंस, यूएसए में लिख दे रहा हूं, माउंट सेंट हेलेंस। नेक्स्ट आप लोग लिख सकते हैं वनुआती में, वनुआतू। कोई बता पाएगा वनुआतू में कौन सा है जो बहुत फेमस है? वनुआतू में कौन सा है जो बहुत फेमस है? वनुआतू में माउंट यासुर है, हरिओम जी का माउंट सेंट हेलेंस, बिल्कुल। वनुआतू में कौन सा है आप लोग बता पाएंगे? वनुआतू में कौन सा है? माउंट यासुर। ये आप लोगों की 8-9 ज्वालामुखी हैं जो बहुत फेमस है। वैसे ज्वालामुखी बहुत हैं, आप लोगों को लिखना होगा तो मैं आप लोगों को मैटर दे दूंगा। वैसे नोट्स में सब कुछ आप लोगों को दिया गया है, सब कुछ लिखा हुआ है एक एक ज्वालामुखियों के बारे में। स्पेशली आप लोगों से जो ज्वालामुखी पूछा जाता है वो मैं क्लियर करा रहा हूं। ये सक्रिय ज्वालामुखी, अभी प्रसुप्त है, सुसुप्त है, ये सब ज्वालामुखियां आएंगी आप लोगों का। यहां पर हम लोग देखें कि हवाई द्वीप पर किलायू और मोनालोवा बहुत फेमस है, और इसमें जो किलायू ज्वालामुखी है ना, ये विश्व की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। यहां ध्यान दें कि सक्रिय का मतलब घातक नहीं, सक्रिय का मतलब है कि हमेशा उद्गार करने वाली। भाई अगर हम किसी व्यक्ति को कह दें या किसी से कह दें कि यह व्यक्ति सबसे सक्रिय व्यक्ति है, तो आप लोग ये थोड़े नहीं मान जाएंगे कि ये घातक है। तब आप लोग ये समझेंगे कि जो कार्य इस व्यक्ति को सौंपा जाता है वो बहुत जल्दी और बहुत समय से और लगन लगा के करता होगा, ऐसा है ना। तो विश्व की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? किलायू है, अभी लिखवाएंगे। एटना ज्वालामुखी सिसली पर मिलती है, बहुत फेमस ये भी है। इक्वेडोर पे कोटापैक्सी है, और कोटापैक्सी विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, ध्यान रखेंगे, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। लेपारी द्वीप पर जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर में स्थित स्टम्बोली है ना, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से जाना जाता है। और अंटार्कटिका के जो रास द्वीप पर ज्वालामुखी इरेबस है, यह अंटार्कटिका पर मात्र एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है एरेबस। इसके बाद अंडमान भारत में देखा जाए तो भारत में दो ज्वालामुखियां हैं, एक है बैरन और दूसरी है नारकोंडम। जो बैरन है ये सक्रिय है, जो नारकोंडम है वो प्रसुप्त में चली जाएगी। तो अंडमान में हम लोग देखें बैरन द्वीप है, आप लोगों को पोर्ट ब्लेयर से पूरब की तरफ जाएंगे तो आप लोगों को मिलेगा बैरन द्वीप। और अर्जेंटीना चिली सीमा पर ओजल डेल सलाडो है, यह विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर जाके फटने वाली ज्वालामुखी है। तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी आप लोगों से पूछेगा तो ओजल डेल सलाडो, और विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत पूछेगा तब आप लोगों का हो जाएगा क्या? कोटापैक्सी। लेकिन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत पूछेगा तो मृत ज्वालामुखी हो जाएगा एकांगुआ, ध्यान रखेंगे। तीनों में अंतर है, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्लियर कराऊंगा। यूएसए में माउंट सेंट हेलेंस है, वनुआती में माउंट यासुर है, ये सब आप लोग लिख लीजिएगा, ये सब आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। इतना एक ज्वालामुखी मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, जो कैनरी द्वीप है
उस केनरी द्वीप पर अभी हाल ही में कौन सी ज्वालामुखी फटी थी, आप बता पाएंगे क्या? आप लोग बता पाएंगे? बिल्कुल हरिओम जी, चलिए आइए हम लोग आगे चलते हैं, क्लियर करते हैं। इतनी पॉइंट्स आप लोग समझ पाए होंगे, थोड़ा सा मैं इसके बारे में जो नोट्स है वो नोट्स लिखवा दे रहा हूं। अब देखिए, सबसे पहले तो इन ज्वालामुखियों का मैं आप लोगों को बता दूं, जो मेन मेन ज्वालामुखी है उनके ट्रिक बता दूं। जो मेन मेन ज्वालामुखी है ना, उनके मैं ट्रिक बता रहा हूं। सबसे एक नंबर पे आप लोगों का ए से एक्टिव हो जाएगा, है ना, एक्टिव। सबसे पहले हम लोग सक्रिय ज्वालामुखी का ट्रिक देखते हैं। जो सक्रिय ज्वालामुखी का ट्रिक होता है वो होगा हकीम, सीए डोर को, हकीम सीए डोर को ले बोली टिका बस अर्जली ओजल। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन सक्रिय ज्वालामुखी का अंत हो जाएगा अगर इतना आप लोग मेहनत कर लेते हैं तो। इतना आप लोग मेहनत कर लेते हैं तो सक्रिय ज्वालामुखी का अंत हो जाएगा। देखिए कैसे, बड़ा आसान है, मेरे साथ तीन चार बार बोलिए, अभी तुरंत याद हो जाएगा आप लोगों को। हकीम सीए डोर को ले बोली टिकावस मान बैरन अर्जली ओजल, हकीम सीए डोर को ले बोली टिकावस मान बैरन अर्जली ओजल, हकीम सीए डोर को ले बोली टिकावस मान बैरन अर्जली ओजल। अगर चार पांच बार आप लोग बोल देंगे तो आप लोगों का बवाल समाप्त हो जाएगा। यहां पर ह से हवाई द्वीप है और इसी क्रम में मैं लिखा भी हूं, हवाई द्वीप। और हवाई द्वीप पर की से किलायु और म से मौना लोवा। अब देख लीजिए, पीछे यही लिखा भी होगा, यहां देखें, हवाई द्वीप किलायु और मौना लोवा। हकीम से क्या हो जाएगा, किलायु मौना लोवा, ह से हवाई द्वीप किलायु मौना लोवा। यहां पर सी से आप लोग ध्यान रखेंगे सिसली, ए से क्या होगा एटना। डोर से क्या हो जाएगा इक्वेडोर हो जाएगा। डोर किस में लगता है, इक्वेडोर में लगेगा तो इक्वेडोर पर को से कोटापैक्सी। और यहां पर अगर आप लोग देखें तो लिखा गया है आपसे ले से लेपारी। और लेपारी पर कौन सा है बोली, कौन बोली भाई, स्ट्राम बोली। सबसे तेजी से कौन बोलता है, स्ट्राम बोली। बोली किस में लगता है, स्ट्राम बोली में। देखिए यहां पे नहीं लिखा बोली, स्ट्राम बोली। टिका बस, टिका से अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका में आप लोगों का बस से इरेबस, है ना। और यहां पर जो बहुत फेमस है अर्जेंटीना, अर्ज से अर्जेंटीना, प्लस ली से चीली, ध्यान रखेंगे ली से चीली। और ओजल डेल सलाडो। अब तक जो सबसे ज्यादा प्रश्न बना है वो इतने से ही आप लोगों से बनता भी है, और बहुत लंबी ट्रिक है, लेकिन बहुत लंबा आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। जितना जरूरत है कम से कम उतना आप लोग पकड़िए। बताने के लिए तो मैं लगभग कई और आप लोगों को क्लियर कर दूं, बता दूं, लेकिन उतना ही आप लोगों को पकड़ना है जितना आप लोगों को जरूरत है। तो हम लोग देखें, हकीम सीए डोर को ले बोली टिकावस अर्जली ओजल। यहां पर ह से हवाई द्वीप किलायु मौना लोवा, सी से सिसली एटना, और डोर से इक्वेडोर कोटापैक्सी, ले बोली लेपारी, स्ट्राम बोली टिका से अंटार्कटिका, बस से इरेबस, दोनों पीछे के शब्द लिए गए हैं। अर्जली ओजल मतलब अर्जेंटीना और चिली के सीमा पर ओजल डेल सलाडो। अगर चार छह बार आप पढ़ लेंगे तो जो ऑप्शन आपके सामने आएगा ना, तो ऑप्शन आप लोग मिलाने लगेंगे। अगर याद भी ये नहीं होगा ये वाली लाइन, तो भी अपने आप सब चीजें निकलने लगेगी अगर चार छह बार आप लोग मेहनत कर लें, देख लें तो। अब इसमें जो किलायु ज्वालामुखी है यह सबसे सक्रिय है,
सबसे सक्रिय, ध्यान रखेंगे सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है किलायु, किलायु। और यह किलायु को अगर देखा जाए तो बिल्कुल बहुत पतले भागों से ये बनती है, बहुत पतले पतले मतलब बिल्कुल हल्का रहता है, गाढ़ा नहीं रहता, इसलिए आराम से निकलती। इसके उद्गार बिल्कुल शांत ढंग से होते हैं, आराम से निकलता और बाहर की तरफ फैलता रहता। और जब तेजी से हवाएं चलती हैं तो इसके ऊपर का जो मैग्मा होता है वो मैग्मा पतले पतले बालों की तरह उड़ना शुरू कर देता है, जैसे लगता है कि पतले पतले बाल उड़ रहे हैं, और वह बाल गोल्डन कलर का हो, मतलब सोने की तरह दिखता हो, गोल्डन कलर का बाल की तरह उड़ता है। देखते हैं ना उनको लगता है कि ये बाल उड़ रहा है। और इसके देवता जो यहाँ पर हैं उनका नाम है पेले, और पेले जो देवता हैं उनके बाल उड़ रहे हैं। तो पेले हेयर्स पूछा जाता है कि कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है, तो आप लोगों को यहीं पर देखने को मिलता है पेले हेयर या पेले के बाल आप लोगों को इसी ज्वालामुखी में देखने को मिलेगा, ये जो किलायु ज्वालामुखी है, क्योंकि पतले पतले बालों की तरह गोल्डन हेयर उड़ता है। जबकि सिसली पर एटना है, यहाँ पर इक्वेडोर को देखें तो ये इक्वेडोर में कोटापैक्सी है, और कोटापैक्सी के बारे में पूछेगा कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा हो जाएगा, तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत आप लोगों को मिल जाएगा किलायु। बिल्कुल सॉरी कोटापैक्सी। और कोटापैक्सी को अगर देखा जाए तो कोटापैक्सी आप लोगों को जो मिलेगा वो कोटापैक्सी की ऊंचाई कितनी है, 5978 मीटर मिल जाएगा ये जो कोटापैक्सी है। जबकि लेपारी द्वीप को देखा जाए तो यहाँ पर आप लोगों को स्ट्रम्बोली मिलेगा, जिसे हम लोग भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, प्रकाश स्तंभ के नाम से जानते हैं। अंटार्कटिका पर मात्र एक सक्रिय ज्वालामुखी है, आप लोग जानते हैं एक सक्रिय ज्वालामुखी है, थोड़ा सा आप लोगों का ट्रिक में कुछ छूट गया है। हकीम सी डोर को ले बोली, हकीम सी डोर को ले बोली टिका, बस मान बैरन छूट गया है यहां पर। वैसे वो आप लोगों को याद भी होगा, यहाँ पर ट्रिक में आप लोगों का मान बैरन भी होता है, मान बैरन अर्जली ओजल, मान से अंडमान जो बहुत फेमस है, वैसे याद होगा आप लोगों को मान बैरन आप लोगों का होगा जो अंडमान पर है, बैरन ये भी पूछा जाता है लेकिन आप लोगों को याद रहता है इसलिए ट्रिक में शामिल भी नहीं किया गया, लेकिन लिख लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। हकीम सी डोर को ले बोली टिकाबस, मान बैरन अर्जली ओजल, मान बैरन मान से अंडमान और बैरन, ये क्लियर कर लीजिएगा। जबकि ओजल डेल सलाडो को देखा जाए तो ओजल डेल सलाडो आप लोगों को अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर मिलेगा, खासकर अगर देखा जाए तो एंडीज पर्वत पर आप लोगों को मिलेगा। और ध्यान देंगे कि यह विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ध्यान रखेंगे। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, ओजल डेल सलाडो है, 6885 मीटर इसकी ऊंचाई है, 6800 कहीं 91 भी मिलेगा आप लोगों को, विकिपीडिया पे सर्च करेंगे लेकिन जितनी बुक हैं उसमें आपको ये मिलता है, तो इसी के लगभग आप लोगों को ले लेना है। अब थोड़ा सा दोनों में तुलना करें, एक आप लोगों के सामने कोटापैक्सी है और दूसरा आप लोगों के सामने मिल रहा है ओजल डेल सलाडो। यहाँ ध्यान दें, अगर आप लोगों के लिए ऑप्शन बना दे कि विश्व का
सर्वाधिक ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तब आप लोग बिना कुछ सोचे ओजल डेल सलाडो अर्जेंटीना और चिली सीमा पर लगा देंगे। अगर पूछ लेगा कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, कोटापैक्सी। अब यहां थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि अगर प्रश्न पूछ ले कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है और कोटापैक्सी ऑप्शन ना दे तो ओजल डेल सलाडो करेंगे। अब कैसे इसे करेंगे ये भी मैं आप लोगों को बताऊं, इतना आप लोगों का हो गया। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है या मैं बता क्या रहा हूं, जैसे मान लू कि यह कोई एक सपाट भाग हो गया, ये कोई सपाट भाग हो गया ना। अब इस भाग पर अगर आप लोग देखें कि यहां पर कुछ इस तरह से पर्वतीय भाग बना है, ऐसे पर्वतीय कोई भाग बना है, पर्वतीय भाग बना है। इस भाग पर अगर हम लोग यहां से और यहां पर एक ज्वालामुखी को बना दें, एक ज्वालामुखी को यहां पर हम लोग बना दें और एक ज्वालामुखी को हम लोग यहां पर बना दें, यहां पर बना दें, तो ये जो पूरा भाग आप लोगों को दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वत। क्या कहते हैं? एंडीज पर्वत। और एंडीज पर्वत पर ये जो भाग है इसे आप लोग कहते हैं कोटापैक्सी, कोटापैक्सी। और इस वाले को हम लोग कहते हैं ओजल डेल सलाडो, ओजल डेल सलाडो, ओजल डेल सलाडो यहां मिल गया और कोटापैक्सी आप लोगों को यहां पर मिल गया। अब जरा देखें कि अगर कोई आपसे कहे कि इसमें दोनों में ऊंचा कौन सा है, दोनों में ऊंचा कौन सा है, तो यहां से आप लोग निकालेंगे यहां तक की ऊंचाई निकालेंगे ना, यहां से यहां तक का आप निकालेंगे, ये आप लोगों का कोटापैक्सी कहा जाएगा। अगर इसमें आप लोगों से कोई पूछे तो यहां से यहां तक का निकालेंगे। अगर दोनों में तुलना किया जाए तो सबसे ऊंचा कौन सा हो गया, कोटापैक्सी हो गया, लेकिन सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन हो गया, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें यहां पर, ये सीधा आप लोग यहां से अगर तुलना करें तो इससे ज्यादा ऊंचाई पर कौन हो गया, ओजल डेल सलाडो। यही मैं कहना चाह रहा हूं आप लोगों से कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, इक्वेडोर में कोटापैक्सी है, लेकिन सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा है, तो ओजल डेल सलाडो है। ऊंचाई पर ओजल डेल सलाडो और कोटापैक्सी को देखा जाए तो सबसे ऊंचा हो जाएगा। लेकिन आप लोगों से पूछ ले कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो एकांगुआ हो जाएगा, क्योंकि यह दोनों के दोनों आप लोगों को सक्रिय मिल रहे हैं। और जब सक्रिय शब्द जोड़ेगा तभी आप लोग इसको टिक करेंगे, कोटापैक्सी को और ओजल डेल सलाडो को। सिर्फ पूछ ले कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, तब आप लोगों का उत्तर हो जाएगा एकांगुआ। और एकांगुआ मृत ज्वालामुखी है, इसलिए मृत ज्वालामुखी होने की वजह से उसे हम लोग सक्रिय के अंतर्गत नहीं रखेंगे। बात समझ पाए होंगे आप लोग, बात आप लोग समझ पाए होंगे बिल्कुल। अब आगे मैं आप लोगों को लेके चलूं, अब मैं आगे आप लोगों को लेके चलूं थोड़ा, चलिए बिल्कुल, चलिए हो गया होगा, आ जाइए। अब यहीं पर थोड़ा सा एक आप लोग नोट बना लेंगे, और प्रश्न पूछता भी रहता है इसलिए नोट बना लें, मैं आप लोगों से पूछ भी लेता हूं, नोट मैं लिख रहा हूं आप लोग बताएंगे, नोट मैं लिख रहा हूं आप लोग बताएंगे। अग्निवलय का, अग्निवलय या रिंग ऑफ फायर, अग्निवलय या फिर रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर, अग्निवलय या रिंग ऑफ फायर की संज्ञा, अग्निवलय की संज्ञा किसे दी जाती है, आप लोग जरा कमेंट करके हमें बताइए। अग्निवलय की संज्ञा किसे दिया जाता है, कोई कमेंट करके हमें बताएं, अग्निवलय की संज्ञा किसे दिया जाता है, क्या आप बता पाएंगे कमेंट करके बताएं, अग्निवलय की संज्ञा। पैसिफिक का, प्रमोद गुप्ता जी का आ रहा है, पैसिफिक को कहा जाता है, प्रशांत महासागर।
ब्रिजमा वर्मा जी का रहा, तेजस्विनी जी का रहा, बी के कनौजिया जी का, सभी लोगों का, दिलीप जी का। इसका मतलब आसान प्रश्न है, मैं विश्व वितरण में इसे मैं बताऊंगा भी आप लोगों को। जब इस टाइप का प्रश्न पूछेगा ना तो आप लोग कहेंगे यहां पर प्रशांत महासागरीय परिमेखला। जो प्रशांत महासागरीय परिमेखला है, मतलब किनारे किनारे के भाग हैं प्रशांत महासागर के, उसे हम लोग रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं, क्योंकि चारों तरफ प्लेटें मिलती हैं और चारों तरफ के प्लेटों के मिलने की वजह से, महासागरीय प्लेटें और महाद्वीपीय प्लेटों के मिलने से चारों तरफ हम लोग देखें कि ज्वालामुखी ज्वालामुखी आप लोगों को मिलता है। तो अग्नि का एक वलय, एक घेरा आप लोगों को मिल जाता है, इसलिए अग्नि का वलय आप लोगों को दिया जाता है, यहां पर पूछ लिया जाता है। एक प्रश्न और है, इसी परिप्रशांत मेखला के अंतर्गत आने वाला एक महाद्वीप है, उसी में एक देश जिसे आप लोग ऑस्ट्रेलिया के नाम से जानते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। और आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है कि किस महाद्वीप में एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं पाई जाती। क्या हो जाएगा उत्तर आप लोगों का? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। यह सब इतने बार आप लोगों से परीक्षाओं में पूछा गया है तो मुझे नहीं लगता कि ये सब पॉइंट आप लोगों से गलत भी होगा। ये सब पॉइंट आप लोगों को गलत होगा ऐसा मुझे नहीं लगता, ठीक है। और सक्री से इतने पॉइंट्स आप लोगों के परीक्षाओं में बनते हैं, सक्री से इतने पॉइंट्स आप लोगों के परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। यहां से भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्टाम्प बोली ध्यान रखेंगे, जो भी आप लोगों के सामने लिखा गया है सब पॉइंट्स आप लोग क्लियर रखेंगे। हकीम सी ए डोर को ले बोली टिकाबस मान बैरन अर्जली ओझल, इतना आप लोग क्लियर किए हैं। तो जो आप लोगों से सक्रिय ज्वालामुखी से प्रश्न पूछे जाते हैं ना, आप लोग क्लियर कर ले जाएंगे। आगे मैं अब आप लोगों को लिए चलता हूं और अगली हेडिंग आप लोग डालेंगे प्रसुप्त या फिर सुसुप्त ज्वालामुखी, जिसे आप लोग डोरमेंट बेलक्यूनो कहते हैं। अगली हेडिंग लगाएंगे आप लोग, अगली हेडिंग यहां पर बनाएंगे और लिखेंगे प्रसुप्त ज्वालामुखी, जिसे आप लोग डोरमेंट बेलकोनो कहते हैं। पहली क्लास में इन सबों के बारे में आप लोगों से चर्चा हो चुकी है। देखिए बड़ा सिंपल है प्रसुप्त ज्वालामुखी भी, जैसे आप लोग सक्री देखे वैसे ही प्रसुप्त देख लीजिए। यहां पर आप लोग देखें प्रसुप्त ज्वालामुखी में, अब देखिए कि जो सक्री है वो जो कार्य सौंपा गया है वो करते हुए पाया जा रहा है, लेकिन प्रसुप्त में जो ऐसे ज्वालामुखी जिनमें वर्तमान समय में तो कोई उद्गार नहीं हो रहा है लेकिन भविष्य में कभी भी हो सकता है, ऐसे ज्वालामुखियों को हम क्या कहते हैं? प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है, आप लोग क्लियर कर ले जाएंगे। चलिए, ऐसे ज्वालामुखी जिनमें वर्तमान में कोई उद्गार तो नहीं हो रहा है लेकिन भविष्य में कभी भी हो सकता है भाई। स्वाभाविक सी बात है कि आप लोग अभी रात में सोए और मैं आप लोगों से कहूं कि वर्तमान में यह व्यक्ति तो सक्रिय नहीं है, मतलब सो रहा है, लेकिन कभी भी सक्रिय हो सकता है, मतलब कभी भी उठ सकता है और उठ के जाके मुंह धुलेगा, पढ़ाई लिखाई करेगा, खाएगा पिएगा,
तो हम लोग देखें कि ऐसी ज्वालामुखी जिनके मुख से वर्तमान में तो कोई कुछ भी नहीं निकल रहा है, लेकिन भविष्य में कभी भी निकल सकता है, ऐसे ज्वालामुखियों को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रसुप्त ज्वालामुखी के नाम से जानेंगे। और प्रसुप्त ज्वालामुखी का भी आप लोग एग्जाम्पल बनाएंगे, एग्जाम्पल करेंगे। पहले यहां पर मैं डाल दूं उदाहरण, उदाहरण इसमें भी चार पांच जो मुख्य मुख्य हैं उन्हें आप लोग क्लियर कर लें। बाकी बहुत से ज्वालामुखियों को मैं नोट्स में लिखा हूं, तो उसे आप लोग वहां से पढ़ लीजिएगा जितनी जरूरत होगी। अब यहां पर आप लोगों को पुनः दो कॉलम बनाना पड़ेगा, एक तरफ स्थान देश, स्थान या देश बना लीजिए, और दूसरे तरफ पुनः आप लोग बना लीजिएगा ज्वालामुखी, दूसरे तरफ ज्वालामुखी। स्थान देश में एक नंबर पे आप लोग यहां पर लिखेंगे, एक नंबर पे स्थान देश में आप लोग लिखेंगे यहां पर इटली। इटली में बहुत फेमस है विसुवियस, इटली में है विसुवियस। नेक्स्ट आप लोग लिखिएगा जापान, जापान में तो आप लोग जान ही रहे हैं फ्यूजियामा, फ्यूजियामा जो मेन मेन है वही मैं लिख रहा हूं आप लोगों को। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में क्राकोटोवा, क्राकोटोवा। चौथे नंबर पे चलें फिलीपींस, बहुत फेमस है फिलीपींस में है मेयन, फिलीपींस में है मेयन। अंडमान में है नारकुंडम, कौन सा है नारकुंडम, हो गया नारकुंडम, लिख लिए होंगे आप लोग। यूएसए में अगर लिखना चाहे तो माउंट रेनियर है, ये भी फेमस है, तो लिख ही लीजिए यूएसए में माउंट रेनियर, माउंट रेनियर, माउंट रेनियर। बस इतना सा आप लोगों को देखना है, इससे ज्यादा की कोई जरूरत नहीं। इसमें कुछ स्पेशल विशेषताएं भी नहीं आप लोगों को क्लियर करना है, बस नाम इनके आप लोगों को ध्यान में रखना है। और यहीं पर मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके ट्रिक आप लोग कैसे बनाएंगे, कैसे आप लोग याद रखेंगे लंबे समय तक। देखिए अब यहां पर अगर देखा जाए तो आप लोगों का ट्रिक हो जाएगा इविजाव, सिया का अनार, सिया का अनार फ्री में, इब्जाब 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 सिया का अनार फ्री में, ध्यान रखेंगे। अब जो मेन मेन है वो देखिए क्लियर हो जाएंगे आपके, ई से हो जाएगा आपका इटली, अब बी से हो जाएगा विसुवियस, बी से हो जाएगा विसुवियस, जा से हो जाएगा आप लोगों का जापान, अब फ से हो जाएगा फ्यूजियामा, फ्यूजियामा, सिया से हो जाएगा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया पीछे वाला शब्द लिया गया है सिया से इंडोनेशिया, अक्का से आप लोगों का हो जाएगा क्राकोटोवा, क्राकोटोवा, अ से हो जाएगा अंडमान, नार से हो जाएगा, नार से हो जाएगा नारकुंडम, नारकुंडम, अब फी से हो जाएगा आप लोगों का फिलीपींस, फिलीपींस, अब मे से हो जाएगा मेयन, मेयन। अब जो मेन मेन है मेरे हिसाब से वो तो आपका काम हो गया, इब्जाब सिया का अनार फ्री में। आप लोग ट्रिक ऐसे बना बना के अगर याद कर लेंगे ना तो एक बार आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन फिर दोबारा आप लोगों को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
हिजाब से या कनार फ्री में। और जो मेन मैं लिखवा रहा हूं ये 99% यहीं से आप लोगों के प्रश्न बनते हैं। अब 1% के लिए बहुत ज्यादा मैं मेहनत करवाना नहीं चाहता आप लोगों को, इतना आप लोगों को याद है ना, तो जो कूट और अन्य चीजें आता है सब कुछ मिला लेंगे आप लोग। अगर 3 आप लोगों को आ रहा है, 2 आप लोगों को आ रहा है, तो चीजें आप लोग कूट में भी मिला ले जाते हैं। तो जो मेन है पहले उस पर आप लोगों को फोकस करना है, फिर इसके बाद आप लोगों के पास टाइम मिलता है अगर आप लोग और पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए तो बहुत से मटेरियल पड़े हुए, आप पढ़ते रहिए। तो यहाँ पर आप लोग इज्जाब सिया का नार फ्री में ऐसे करके आप लोग याद रखेंगे। और अगर आप टीचिंग की स्पेशली तैयारी करते हैं तो ये सब चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। कितना आप लोग बार बार देखेंगे, एक बार ज्वालामुखी को आप पढ़िए और दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत ना पड़े ऐसा आप पढ़ दीजिए, ऐसा आप लोग कुछ कर दीजिए उस चैप्टर में कि दोबारा आपको झांकने की जरूरत नहीं, क्योंकि बार बार याद करेंगे बार बार भूलेगा आप लोगों का। ऐसे करके अगर कर देंगे तो एक दो बार आप लोग जैसे ही एग्जाम में बैठेंगे और एग्जाम देंगे और पढ़ेंगे चीज़ें अपने आप आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे आप लोग बना लेंगे, ऐसे आप लोग बना लेंगे, इसमें स्पेशली कुछ लिखना आप लोगों को नहीं। नेक्स्ट आप लोगों को शांत या मृत ज्वालामुखी की तरफ मैं लेके चलूं, और अगली हेडिंग आप लोग बनाएंगे, तीसरी हेडिंग लास्ट हेडिंग है इसमें, तो आप लोग हेडिंग डालेंगे शांत या मृत ज्वालामुखी, शांत या फिर मृत ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट वोल्केनो, शांत या मृत ज्वालामुखी, बिल्कुल आप लोग एकदम क्लियर होंगे मुझे विश्वास है। और इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें आप लोग लिखेंगे ऐसे ज्वालामुखी ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी जिनसे वर्तमान एवं भविष्य में किसी प्रकार का उद्गार होने की, ऐसे ज्वालामुखी जिनसे वर्तमान एवं भविष्य में किसी प्रकार का उद्गार होने की संभावना न हो, मतलब जिनमें अब उद्गार नहीं हो सकता, वैसे ज्वालामुखियों को शांत या मृत हम लोग मान लेते हैं। और इसमें भी आप लोगों को 2 कॉलम बनाना है, उदाहरण के तौर पर उदाहरण के तौर पर 2 कॉलम आप लोगों को बनाना है। जो पहला कॉलम है उस पहले कॉलम में आप लोग लिखेंगे स्थान या फिर देश, और दूसरे कॉलम में आप लोग लिखेंगे ज्वालामुखी। स्थान या देश में 1 नंबर पे आप लोग चलेंगे और शुरुआत कर दीजिए 1 नंबर पे आप लोग पाकिस्तान से, 1 नंबर पे पाकिस्तान से। पाकिस्तान, और पाकिस्तान में है ओह सुल्तान, देखिए बहुत से बुक में इसे ईरान में और बहुत लोग पाकिस्तान में, स्पेशली ये बलूचिस्तान क्षेत्र में पड़ता है, ईरान और पाकिस्तान के सीमा पर बलूचिस्तान, लेकिन वर्तमान समय में ज्यादा लोग जो मान रहे हैं वो पाकिस्तान में कोह सुल्तान को मान रहे हैं, इसलिए हम लोग भी करेंगे पाकिस्तान में कोह सुल्तान, अगर पाकिस्तान ना दे तो ईरान, इसी आधार पर हम दूसरे नंबर पर ईरान ले ही लेते हैं। और ईरान में जो ज्वालामुखी है उसका नाम है देवबंद ज्वालामुखी कहां पर मिल जाएगा, ईरान में। तीसरे नंबर पर लिखिएगा, तीसरे नंबर पे इक्वेडोर का मतलब आप लोग लिख सकते हैं, इक्वेडोर को आप लोग लिख सकते हैं इंडीज भी, इक्वेडोर इसे ना इंडीज भी लिख लेंगे आप लोग, इंडीज पर्वत। चलिए यहां पर कौन सा है, तो यहां पर चिम्बराजो मिल जाएगा आपको,
चिम्बराजो, चिम्बराजो आप लोगों को मिल जाएगा चौथे नंबर पे। तंजानिया, तंजानिया अफ्रीका में है और इसे आप लोग कहते हैं किलीमंजारो, बहुत फेमस है, बहुत बार ज्वालामुखियों में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ज्वालामुखी तंजानिया का किलीमंजारो, बहुत फेमस है। म्यांमार का भी ले लीजिए, म्यांमार में है पोपा, नेक्स्ट लिख लीजिएगा आप लोग छठे नंबर पे। इंडीज पर ये भी आ जाएगा और जो इंडीज पर आएगा इसे आप लोग एकांगुआ कहते हैं, इंडीज, अर्जेंटीना स्पेशली लिख लेंगे ज़्यादा सही रहेगा, अर्जेंटीना पुस्तक में इंडीज लिख लीजिएगा, एकांकागुआ, एकांकागुआ, एकांकागुआ। ये आप लोग पांच छह तो जो हैं इतने ही आप लोगों को पकड़ लेने हैं, इतने ही आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, इतना ही आप लोग क्लियर कर लीजिएगा बिल्कुल। चलिए अब इसका भी मैं आप लोगों को ट्रिक यहां पर दे दूं, यही बगल में ही याद हो जाए आप लोगों को, ट्रिक लिख लीजिएगा, ई सुल्तान देव, ई सुल्तान देव, ई सुल्तान देव दोरची, ई सुल्तान देव दोरची, तन मन जारो, तन मन जारो, ई सुल्तान देव दोरची तन मन जारो, मारपोप एंडीगुआ, पटेगा ही नहीं, चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ, एक्सप्लेन आगे कर देंगे, मारपोप एंडीगुआ, मारपोप एंडीगुआ, यही थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, ई सुल्तान देव दोरची तन मन जारो मारपोप एंडीगुआ, ई सुल्तान देव दोरची तन मन जारो मारपोप एंडीगुआ, हकीम सुये डोर को ले बोली टिकाबस मान बैरन अर्जली ओजल इवजाब सिया का अनार फ्री में, ई सुल्तान देव डोरची तन मन जारो मारपोप एंडी गुआ। बस इतना सा आप लोग कर लेंगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अब इस ट्रिक को बल्कि मैं यहां पर कर देता हूं, इविजाब ई सुल्तान देव, ई सुल्तान देव डोरची, ई सुल्तान देव डोरची तन मन जारो, तन मन जारो मार पोप एंडीगुआ, जो मेन मेन है वो मैं क्लियर करा दे रहा हूं। अब इसमें अगर आप लोग देखें आप लोगों को यहां पर मिल जाएगा ईरान, मिलेगा ना, ईरान और पाकिस्तान, तो ऐसे ही याद रहेगा, पाकिस्तान को कौन भूलने वाला है। ईरान में आप लोगों का देवबंद मिल जाएगा, देवबंद मिल जाएगा और पाकिस्तान में कोह सुल्तान मिल जाएगा, सुल्तान मूवी भी है सलमान खान की, पाकिस्तान समझ लीजिएगा आप लोग। डोर से आप लोग लिखेंगे इक्वेडोर, इक्वेडोर, डोर से इक्वेडोर हो जाएगा और ची से चिम्बराजो, चिम्बराजो इंडीज पर रहेगा ध्यान रखेंगे, तन से तंजानिया, तंजानिया, अमन जारो मतलब किली मंजारो, किली मंजारो, तन मंजारो मतलब किली मंजारो, मन जारो किली मंजारो तंजानिया में है ध्यान रखेंगे, मार पोप, मार से म्यांमार, अब पोप से पोपा, एंडीज स्पेशली अर्जेंटीना, अर्जेंटीना
और एंडीज पर है एकांकगुआ, एकांकगुआ। बस अब यहां थोड़ा सा आप लोग माइंड करेंगे एक दो पॉइंट्स को। यहां पर हम लोग देखें कि जो ईरान और देवबंद में, ईरान और पाकिस्तान में देवबंद और सुल्तान है, ये दोनों वर्तमान समय में धुआरे का कार्य कर रहे हैं, धुआरे का कार्य कर रहे हैं, जहां से बड़े पैमाने पर बोरिक एसिड प्राप्त किया जा रहा है, बोरिक एसिड प्राप्त किया जा रहा है। अभी धुआरा, सल्फ्यूरा है ना, सिंडर, ये सब आकृतियां और सब निकलने वाले पदार्थ, गेजर, ये सब अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो बोरिक एसिड निकलता है, ये धुआरे के रूप में कार्य करता है। इसका तापमान लगभग 600 सेंटीग्रेड के लगभग होता है, 600 सेंटीग्रेड के लगभग होता है, इसलिए यह भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी के रूप में भी प्रयोग किए जा रहे हैं, जो ईरान और पाकिस्तान में देवबंद और ये आप लोगों का सुल्तान मिल रहा, सुल्तान देवबंद और कोह सुल्तान। चिम्बराजो भी बहुत फेमस है, ये आपका इक्वेडोर में स्थित है एंडीज पर, जबकि इसमें सबसे ज्यादा फेमस आपका तंजानिया में स्थित किलिमंजारो है। कई बार पूछा जाता है तंजानिया में स्थित किलिमंजारो है, यही किलिमंजारो, ध्यान रखेंगे, यही किलिमंजारो है जो अफ्रीका महाद्वीप का उच्चतम बिंदु है, जिसकी ऊंचाई है 5895 मीटर। यह अफ्रीका महाद्वीप का, पूरे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे उच्चतम बिंदु है, जो तंजानिया देश में स्थित है, जिसका नाम है किलिमंजारो। यह कैसा ज्वालामुखी पर्वत है, यह कैसा है, तो ज्वालामुखी पर्वत है। कैसा ज्वालामुखी पर्वत है, मृत ज्वालामुखी पर्वत है, बहुत पूछा जाता है। ध्यान रखेंगे अफ्रीका का उच्चतम बिंदु है, जिसकी ऊंचाई 5895 मीटर है। जबकि हम लोग देखें एंडीज पर एकांगुआ का को, तो यह विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत। कोई ऊंचाई इसकी बता पाएगा? पहले ऊंचाई इसकी बताई जाती थी 7021 मीटर, लेकिन नए आंकड़े के अनुसार, ध्यान रखेंगे, जो नया आंकड़ा आप लोगों का आया है, लगभग सभी ऊंचाइयों को चेंजिंग किया गया है, उस ऊंचाई के अनुसार इसकी ऊंचाई कितनी हो गई है, उसके अनुसार इसकी ऊंचाई कोई बता पाएगा? एकांगुआ की 6998 मीटर, 6998 मीटर, और यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। ध्यान रखेंगे, सक्रिय ज्वालामुखी नहीं, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे ऊंचा पूछ दे तो कोटापैक्सी। अब देखिए सक्रिय शब्द लगाएगा तो ये तो मृत शांत है ना, ऐसे ही बाहर हो जाएगा। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत सिर्फ पूछ ले तब एकांगुआ, अगर ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी को पूछ ले या ऊंचाई पर ओजल डेल सलाडो हो जाएगा, और विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी आप लोगों से पूछ दे कि जो समुद्र के सतह से, मतलब पूरी ऊंचाई की अगर बात किया जाए, तब आप लोगों का उत्तर हो जाएगा कोटापैक्सी। इतनी पॉइंट्स आप लोग क्लियर कर लिए होंगे। लोकेंद्र सिंह क्या हो गया, काजल यादव सही कहा, सीधे सीधे याद करना बेहतर है। अगर सीधे सीधे याद करना बेहतर है तो सीधे सीधे ही कर लीजिए, लेकिन एक बार आप लोग अगर ट्रिक से चीजों को कर लेते हैं ना, तो भूलते भी आप लोगों को याद रहेगा, मंजारो अपने आप निकल जाएगा, पोपा अपने आप निकलने लगता है। आप एक बार करके देखिए, मार पोप अपने आप निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मेहनत तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। संगीता हंसराज कह रहा है जी सर, गुलशन यादव जी कह रहा है कि जी सर। चलिए, ये इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। और ज्वालामुखियों को अगर आप लोगों को देखना है, जैसे फ्यूजियामा जापान में, मेयन फिलीपींस में, माउंट ताल फिलीपींस में, माउंट पिनाटुबो फिलीपींस में, माउंट एटना सिसिली पर मिल रहा है, एरेबस अंटार्कटिका पर मिल रहा है, माउंट पीली सबसे खतरनाक है मार्टेनिक पर मिलेगा, माउंट हेकला आइसलैंड में है,
विसुवियस आप लोगों को नेपल्स की खाड़ी इटली में मिल जाएगा, स्ट्रम्बोली लेपारी द्वीप भूमध्य सागर में है, लाकी को देखा जाए तो आइसलैंड में है, कटमई को अलास्का में आप पाएंगे, माउंट रेनियर को आप यूएसए में पाएंगे, माउंट सस्ता को आप लोग यूएसए में पाएंगे, चिम्बराजो को इक्वेडोर में पाएंगे, ओजल डेल सलाजो अर्जेंटीना चिली सीमा पर मिलेगा, कोटापैक्सी इक्वेडोर में मिलेगा, पैराकुटीन पैपियो को पोपो कैटिपिटल को अगर देखें तो मैक्सिको में, किलायो को देखा जाए हवाई द्वीप पर, मोनालोवा को हवाई द्वीप पर, देवबंद आप लोगों को मिलेगा ईरान में, कोसुल्दान पाकिस्तान में, माउंट पोपा म्यांमार में, एल्बुर्ज जॉर्जिया में, किलिमंजारो तंजानिया में, माउंट कीनिया केनिया में, माउंट कैमरूल कैमरून अफ्रीका में मिलेगा, क्रोकोटोवा आप लोगों को इंडोनेशिया में, सेंट हेलेंस यूएसए में। तो इस प्रकार से आप ज्वालामुखियों को भी आप एक जगह कलेक्ट कर सकते हैं, कई ज्वालामुखी हैं जिन्हें आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं। यहां तक आप लोगों का हो गया होगा, अब मैं आप लोगों को उद्गार के तरफ लेके चलूं। अब यहां तक आप लोगों का हो गया होगा, अब उद्गार के तरफ लेके चलें तो उद्गार के आधार पर हम लोग क्लियर करेंगे, देखेंगे। अब यहां देखिए हेडिंग पहले डाल लीजिए फिर मैं क्लियर कराऊं। आप सक्रियता के आधार पर पढ़ लिए हैं, जो बी पार्ट में हम लोग बनाए थे ना उद्गार के आधार पर, अब उसे देखेंगे हम लोग उद्गार के आधार पर। अब हम लोग उद्गार के आधार पर ज्वालामुखियों को देखेंगे, उद्गार के आधार पर, है ना। सबसे पहले हम लोग देखें कि जो उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी होती हैं, इन्हें सामान्यतः हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। उद्गार के आधार पर मैं एक पेज में ही आप लोगों को क्लियर कर दूं और वहीं से उतने से ही प्रश्न आप लोगों को मिल जाएंगे। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से दो भाग बनते हैं, कौन कौन से दो भाग बनते हैं, तो यहां पर आप लोग देखें कि एक आप लोगों का हो जाएगा, एक आप लोगों का हो जाएगा केंद्रीय उद्भेदन और दूसरा दरारी उद्भेदन। केंद्रीय उद्भेदन और दूसरा आप लोगों का हो जाएगा दरारी उद्भेदन। उद्भेदन ज्वालामुखी जोड़ सकते हैं, ज्वालामुखी ज्वालामुखी। थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देख लें। इसमें आप लोगों को देखना यह है कि अब हम लोग उद्गार के आधार पर देखें, भी सक्रियता के आधार पर हम लोग देखें तो सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखियों को हम लोगों ने तीन भागों में बांटा। कितने भागों में? तीन भागों में बांटा, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। जबकि उद्गार के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, एक केंद्रीय उद्भेदन वाली ज्वालामुखी और दूसरा दरारी उद्भेदन ज्वालामुखी। अब केंद्रीय उद्भेदन और दरारी उद्भेदन ये उद्गार के आधार पर है, मतलब जब उद्गार होता है तो ज्वालामुखी अगर विस्फोटक रूप से फाड़ते हुए तोड़ते हुए अगर उद्गार करती है तो उसे केंद्रीय उद्भेदन वाला ज्वालामुखी कहते हैं। अगर कहीं पर प्लेटें दूर जा रही हैं और दरारें हो रही हैं, उन दरारों के माध्यम से आराम से मैग्मा निकलकर बाहर लावा के रूप में निक्षेपित हो रहा है, जमा हो रहा है, तो उसे हम लोग दरारी उद्भेदन के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो कौन विस्फोटक होगा, तो आप लोग कह सकते हैं कि यह वाली जो ज्वालामुखी है यह विस्फोटक होगी, विस्फोटक होगी। स्वाभाविक सी बात है कि यह विस्फोटक होगी, मतलब खतरनाक होगी, तेजी से फट रही है और फटने के बाद एकाएक फट के और विकराल रूप अपना ला रही है। और हम लोग दरारी उद्भेदन वाली ज्वालामुखी को देखें तो यह शांत ढंग से निकलती है यह ज्वालामुखी, और शांत ढंग से निकलकर और विस्तारित होती है, दूर तक बहती है, बहते हुए चली जाती है। यह कई जगहों पर आप लोगों को देखने को मिलती है, जो केंद्रीय उद्भेदन है और दरारी उद्भेदन है, केंद्रीय उद्भेदन और दरारी उद्भेदन। अगर केंद्रीय उद्भेदन को देखें तो अत्यंत विनाशकारी होगी, ध्यान रखेंगे, सक्रिय नली से, पतली नली से यह तोड़ते हुए बाहर की तरफ निकलती है। अब इसे कई प्रकार में हम लोग बांट देते हैं केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी को, जैसे हवाई तुल्य ज्वालामुखी को यहां पर आप लोग देख सकते हैं। हवाई तुल्य ज्वालामुखी को आप लोग यहां पर देखें, सबसे पहले क्लियर करें यहां पर एक ज्वालामुखी हवाई तुल्य, हवाई तुल्य ज्वालामुखी आप लोगों को कैसी ज्वालामुखी मिलेगी? केंद्रीय उद्भेदन वाली ज्वालामुखी यहां पर आप लोगों को मिलेगी। लेकिन यहां पर ध्यान रखेंगे कि इसका लावा बहुत पतला होता है, इसलिए
इसका लावा बहुत पतला होता है और लावा पतला होने की वजह से अगर इस ज्वालामुखी को देखें तो यह भी शांत ढंग से ही निकल जाता है। लावा पतला होता है इसलिए शांत ढंग से ही यह भी निकलता है, मतलब विस्फोटक तो होता है, विस्फोट में ही निकलेगा, लेकिन लावा पतला होता है इसलिए जो विस्फोट होता है वो शांत ढंग से होता है, विस्फोटक में शांत, मतलब ध्यान रखेंगे विस्फोटक में भी कई क्राइटेरिया आप लोग बनाएंगे, कौन सबसे ज्यादा विनाशकारी है, कौन शांत आराम से शांत ढंग से निकल रही है, तो ये शांत ढंग से निकल जाती है। इसी जगह पर जो हवाई द्वीप है यहीं पर आप लोगों को पेले हेयर भी मिलेगा, पेले बाल या हेयर आप लोगों को मिलेगा, ध्यान रखेंगे जो पतले पतले, ये इतना पतला लावा होता है ना कि जब हवा तेज चलती है, एक तो द्वीप है ये, प्रशांत महासागर का क्रॉस रोड है ये, और तेजी से जब हवाएं चलती है तो ऊपर जो मैग्मा है, प्यूमिस है, वो उड़ता है, और उड़ता है जब, तो उसे जब हम लोग देखते हैं तो उसी को हम लोग वहां के देवता पेले हेयर के नाम से आप लोग जानते हैं। ये हो गया आप लोगों का हवाई तुल्य, अगर समझ में आ रहा होगा तो आप बीच बीच में कमेंट भी करते रहिएगा। दरारी वाले हवाई द्वीप पर, दरारी वाले हवाई द्वीप पर नहीं, दरारी नहीं, केंद्रीय उद्भेदन के अंतर्गत रखते हैं मेरे भाई, केंद्रीय उद्भेदन के अंतर्गत रखते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, बात समझ रहे हैं। हवाई तुल्य ज्वालामुखी इसी को कहते हैं, जो किलायु भी आप लोगों का इसी में आ जाएगा, केंद्रीय उद्भेदन के अंतर्गत आता है ना। सेकेंड नंबर पे आप लोग लिख लीजिएगा स्ट्रम्बोली तुल्य ज्वालामुखी, इसी के अंतर्गत आएगा स्ट्रम्बोली। स्ट्रम्बोली तुल्य हो जाएगा, और जो स्ट्रम्बोली तुल्य हो जाएगा ये आप लोगों को दिखने को मिलता है भूमध्य सागर में, कहां पर दिखता है भूमध्य सागर में, और यह भी जब लाइट ऊपर की तरफ निकलता है तो लाइट हाउस के नाम से भी जाना जाता है, और भूमध्य सागर को प्रकाशित कर देता है, इसलिए इस प्रकार के ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से हम लोग जानते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से आप लोग जानते हैं, बिल्कुल भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से जानते हैं। सिसली द्वीप और ये सब जितने हैं सब यहीं पर आप लोगों को मिल जाएंगे। बल्केनियन तुल्य भी आप लोगों को मिल जाएगा, जो लेपारी वाला क्षेत्र है वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा, इसी के नाम पर बल्केनियन या बल्केनो आप लोगों का पड़ा भी है, बल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी ये भी भूमध्य सागर में मिलेगा, बल्केनियन तुल्य, बल्केनियन वल्केनियन तुल्य आप लोगों को मिल जाएगा, वल्केनियन तुल्य आप लोगों को मिल जाएगा, ये भी आप लोगों को भूमध्य सागर में ही मिलेगा लिपारी द्वीप के पास, भूमध्य सागर में ही मिलेगा लिपारी द्वीप के पास, है ना। बस मेन मेन पॉइंट्स आप लोग लिख लीजिए जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, है ना। कमेंट नहीं हो पा रहा है, चलिए लैपटॉप सो गया था, आइए बिल्कुल आरके जी का, सभी लोगों का मैं देख पा रहा हूं कि यहां पर आ रहा है, सुधांशु जी का है, सौरभ जी का है, सभी लोगों का आ रहा है। अब आगे आप लोग चलें बल्केनियन के बाद पिलियन तुल्य ज्वालामुखी जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आप लोगों का हो जाता है, पिलियन तुल्य, पिलियन तुल्य, ये आप लोगों को आइसलैंड वाले क्षेत्रों में देखने को मिलता है, सबसे खतरनाक, सबसे विनाशकारी, सबसे विनाशकारी जो होता है ये आप लोगों को मिल जाएगा, सबसे विनाशकारी पिलियन तुल्य ये आप लोगों को आइसलैंड वाले क्षेत्रों में मिल जाएगा, आइस लैंड वाले क्षेत्रों में आप लोगों को मिलेगा, जिसमें ज्वालामुखियों में सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी अगर आपसे कोई पूछ दे और पूछा भी गया है तो पिलियन ही होगा, ये ध्यान रखिएगा, पिलियन तुल्य ज्वालामुखी सबसे खतरनाक होगा जब हम
विश्व वितरण पढ़ाएंगे, तो इन सभी को आप लोगों को दिखाएंगे एक एक करके। तो पिलियन तुल्य ज्वालामुखी आप लोगों का हो गया होगा। पिलियन तुल्य ज्वालामुखी सबसे विनाशकारी और सबसे विस्फोटक होती है। जो मार्टेनिक द्वीप है उसमें इस प्रकार की ज्वालामुखी फटा था, और सेंट पियरी नामक एक नगर था जो बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त हो गया था, बर्बाद हो गया था, है ना। और इसी प्रकार का हम लोग देखें कि जो जावा एवं सुमात्रा के मध्य है, सुंडा जल डमरू मध्य, वहां पर क्राकोटोवा ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था, जिसमें 120 मीटर ऊंची लहरें उठी थी और भयंकर भूकंप भी आया था, भयंकर भूकंप आया था। और फिलीपींस का जो हिब ज्वालामुखी है वो भी कुछ इसी प्रकार का आप लोगों को दिखाई देती है। नेक्स्ट और लास्ट इसका विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी, नेक्स्ट और लास्ट विसुवियस ज्वालामुखी। विसुवियस ज्वालामुखी, विसुवियस ज्वालामुखी आप लोगों को मिलेगा। जो विसुवियस ज्वालामुखी है, अगर इसे आप लोग ढूंढेंगे विसुवियस को, तो ये भी तीव्रता के लिए ही जानी जाती है। भयंकर विस्फोट इसमें भी होता है आवेग के साथ। विसुवियस वाले क्षेत्रों में फूलगोभी की तरह ये आकार ले लेता है। और इस प्रकार का ज्वालामुखी आप लोगों को जो भूमध्य सागर है उधर वाले क्षेत्रों में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी को सबसे पहली बार प्लीनी ने रिकॉर्ड किया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। प्लीनी ने रिकॉर्ड इसी को किया था, ज्वालामुखी को, जो विसुवियस प्रकार का। अब दरारी उद्भेदन वाला हम लोग क्लियर कर लें। दरारी उद्भेदन आप लोगों को देख लेना है। ये शांत ढंग से निकलता है और प्लेटें दूर होने की वजह से ऐसा आप लोगों को दिखाई देता है, है ना। और ये लावा आप लोगों को, लावा इसका पठारों का निर्माण करता है और बेसाल्टिक लावा का जमाव करता है, बेसाल्टिक लावा का जमाव करता है। इसके उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण आप लोगों को भारत में ही मिल जाएगा, भारत में ही मिल जाएगा। जो दक्कन ट्रैप है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, दक्कन ट्रैप ध्यान रखेंगे। और दरारों के माध्यम से लावा अंदर से निकलकर बाहर की तरफ फैल जाता है। इसका अगर एक एग्जांपल आप लोग ले लें तो दक्कन ट्रैप आप लोगों को भारत में मिल जाएगा, दक्कन ट्रैप मिल जाएगा। अब इसमें होता क्या है, नाम से स्पष्ट है दरारी उद्भेदन वाला ज्वालामुखी। तो पृथ्वी पर हमारे कुछ दरारें पड़ जाती हैं जो प्लेटें हैं, और उनसे मैग्मा निकलकर अगर बाहर की तरफ आ जाता है तो दरारी उद्भेदन वाला ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आप लोगों का है वो पिलियन तुल्य ज्वालामुखी, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न आप लोगों से मैं पूछता हूं, आप लोग उत्तर करिएगा, एक प्रश्न का आप लोग आंसर करिएगा। यहां पर ज्वालामुखियों का देश किसे कहा जाता है, ज्वाला मुखियों का देश किसे कहा जाता है, ज्वालामुखियों का देश किसे कहा जाता है, आप लोग कमेंट करके बताएं। और सहस्त्र धुआरों का देश या 10,000 धुआरों का फुआरा नहीं होगा, फुआरों का देश किसे कहा जाता है। दो प्रश्न आप लोगों के लिए, जरा आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे कि एक प्रश्न आप लोगों का, ज्वालामुखियों का देश किसे कहा जाता है। आइसलैंड विवेकानंद जी का, हरिओम जी का, दिलीप जी का, विकास यादव जी हैं, ममता कुमारी हैं, क्यूक आर्ट का मैं देख पा रहा हूँ, प्रिया कुमारी का है, तेजस्विनी का है, लोकेंद्र जी का आइसलैंड, आइसलैंड मुझे लग रहा है काफ़ी आसान सा प्रश्न हो गया, विकास यादव का जापान आ रहा है। यहाँ ध्यान दें कि आइसलैंड हो जाएगा, आइसलैंड हो जाएगा। और 10,000 धुआरों का देश किसे कहा जाता है, जो अलास्का है ना, अलास्का उस अलास्का को आप लोग 10,000 धुआरों के देश के नाम से भी जानते हैं। यहां तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब मैं आप लोगों को आगे लेके चलूं ज्वालामुखियों की
स्थलाकृतियों के बारे में अगर आप लोग टाइम दें तो थोड़ा थोड़ा जो मेन मेन पॉइंट्स है वो मैं करा दूं आप लोगों को। जैसे आप लोगों को गेजर बता दिया जाए, सोल्फ्तारा आप लोगों को बता दिया जाए, सिंडर आप लोगों को बता दिया जाए, जो मेन मेन है उस पर मैं आप लोगों को काम करा दूं। यहां तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, मतलब 10-15 मिनट और आप लोग दे देंगे तो ज्वालामुखी बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, हर एक पॉइंट्स आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। कुछ इसके स्थलाकृतियां भी होते हैं, उन्हें आप लोग देख लें बिल्कुल सिंपल इजी वे में, दो जो चार पांच या तीन चार ठो मेन मेन है बस उन्हीं को आप लोग देख लीजिए। बिल्कुल जी गुरुजी, विकास जी का आ रहा है आइसलैंड, यहां तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब कुछ ज्वालामुखियों के आकृतियां आप लोग देख लीजिए, ज्वालामुखी की स्थलाकृतियां, यहां से भी कभी कभी प्रश्न बन जाते हैं। ज्वालामुखी की स्थलाकृतियां, ज्वालामुखी की स्थलाकृतियां, बस सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स आप लोगों को यहां पर क्लियर कर लेने। देखिए स्थलाकृतियां तो कईयों बन जाती हैं, है ना, लेकिन जहां से आप लोगों के परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं सिर्फ उन्हीं पर हम लोग विचार करेंगे। जैसे आप लोगों से शंकु पूछा जाता है तो शंकु हम लोग पहले ही देख चुके हैं, ज्वालामुखी शंकु, कालडेरा, घोसलाधार कालडेरा, ये सब आप लोग अंग में देखे थे, ज्वालामुखी पाइप, ये सब चीजें आप लोग देखे। कुछ बस स्थलाकृतियों को आप लोगों को यहां पर क्लियर करना है, देखना है। इसमें एक नंबर पे जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है वो आप लोगों का सिंडर शंकु है। एक नंबर पे आप लोगों का आता है सिंडर शंकु, सिंडर शंकु, ये बहुत ही फेमस है सिंडर शंकु। और देखिए एक एक लाइन मैं इनके बारे में आप लोगों को लिखते चल रहा हूं, बस एक एक लाइन जो मेन में लिखा जाएगा बस उतना ही आप लोगों को काम करना है, है ना। इसे आप लोग जो अवतल होता है भाग, वो अवतलन के वजह से जो शंकु बनता है उसके अवतलन पर ये आप लोगों को दिखाई देता है, 35 से 40 अंश झुका हुआ ये आप लोगों को दिखाई देगा, है ना। अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा यह विखंडित पदार्थों से धूल राख के जो कण है उन्हीं से ये बनेगा। अब इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि विखंडित पदार्थ से इसका निर्माण जो होता है, निर्माण इसका निर्माण किससे होगा, ध्यान रखेंगे विखंडित पदार्थ, विखंडित पदार्थ धूल राख के कणों से ये बनेगा। बिल्कुल छोटा सा चींटियों की आकृति से ये प्रारंभ होकर और कई फीट ऊंचा भी बन जाता है जो सिंडर है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो स्टार लगाने वाली बात है कि इसमें इसमें लावा का, इसमें लावा का, इसमें लावा का, इसमें लावा का कोई योगदान नहीं होता, इसमें लावा या मैग्मा का कोई योगदान नहीं होगा। ये आप लोग ध्यान रखें, आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है। जो सिंडर शंकु बनेंगे वो सिर्फ और सिर्फ विखंडित पदार्थों से बनेंगे। चलिए थोड़ा सा नेटवर्क इशू आया एक बार, अच्छा एक बार नेटवर्क इशू आया, एक बार आप जरा कमेंट करेंगे, आप लोग एक बार कमेंट करेंगे कि नेटवर्क इशू रहा, आप लोगों को दिखाई नहीं दिया होगा, गोल गोल घूमने लगा था। एक बार कमेंट करें आप लोग कि फिर से क्या आप लोगों को दिखाई देने लगा, एक बार आप लोग कमेंट करें। सर बफरिंग हो रहा है, बिल्कुल बबीता कुमारी जी का आ रहा है, अभिनंदन सिंह जी का भी आ रहा है, सभी लोगों का अब ठीक है, बिल्कुल हरिओम जी का आ रहा है कि अब आ गया, एसपी यादव जी बफरिंग, सभी लोगों का है कि अब आ गया। चलिए चलिए धीरे धीरे हम लोग देखें मेन मेन पॉइंट, चार पांच ठो मैं लिखवा दे रहा हूं, वहीं से प्रश्न आप लोगों की परीक्षाओं में आ जाएंगे, है ना। और इस प्रकार का शंकु अगर देखा जाए तो
आप लोगों को मिलेंगे कहां पर, इसके एग्जाम्पल भी आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, तो मैं एग्जाम्पल जरूर लिखवा दे रहा हूं एक दो ठो, आप लोग एग्जाम्पल भी ले लीजिए। हम पेज में मेन मेन पॉइंट्स को आप लोग पकड़ लेंगे, बाकी नोट्स में आप लोगों का डिस्क्राइब किया ही गया है। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए मैक्सिको के जोरिल्लो में आप लोग देखेंगे, मैक्सिको में जोरिल्लो, जोरिल्लो मैक्सिको में जोरिल्लो, ठीक है हो गया। चलिए सान सल्वाडोर का माउंट इजालको, सान सल्वाडोर, सल्वाडोर माउंट इजालको, माउंट इजालको सान सल्वाडोर में है, जो सिंडर शंकु का आप लोगों को उदाहरण देखने को मिलता है। फिलीपींस में देखा जाए, फिलीपींस का जो लुजोन द्वीप है यहां पर देखा जाए तो कैमिविंग शंकु आप लोगों को देखने को मिलता है सान सल, वहां पे लुजोन में, जो फिलीपींस का है लुजोन ना, लुजोन जलसंधि भी आप लोगों को बताया गया था, लुजोन आप लोग देख सकते हैं या लिख लीजिएगा फिलीपींस के लुजोन द्वीप का, ये भी फेमस है। लुजोन जलसंधि भी आप लोगों को मिलेगा फिलीपींस के लुजोन द्वीप पर, कोई लिखे भाई, लुजोन द्वीप पर कौन सा सिंडर शंकु आप लोगों को देखने को मिलता है, लुजोन द्वीप पर कौन सा सिंडर शंकु मिलता है, तो कैम कैंग कैम क्या बोलेंगे इसको भाई, पढ़िए आप लोग, कैम विन कैम कैम कैंग गविन कैम ग्विन ऐसे बोलेंगे, कैम ग्विन ऐसे बोलेंगे तो सही लग रहा है, फिलीपींस के लुजोन द्वीप पर कैम ग्विन है ना, कैम ग्विन सिंडर शंकु का उदाहरण है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, तीन आप लोग ध्यान में रख लेंगे, एक तो आप लोग जोरिल्लो को देख लेंगे, एक इजालको को देख लेंगे, एक कैम ग्विन को देखेंगे जो सिंडर शंकु आप लोगों को दिखाई दे रहा है, सिंडर शंकु हो जाएगा, हो गया। बाकी अम्ली जो लावा शंकु है ये कोई विशेष मतलब नहीं आप लोगों को दिखता है, उसे आप लोग छोड़ देंगे। सिल्ड शंकु भी आप लोग छोड़ सकते हैं, शंकु में शंकु को अगर देखें तो आप लोगों को जापान के फ्यूजियामा में देखने को मिल जाता है, मिश्रित शंकु, परिपोषित शंकु, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। क्रेटर कालडेरा आप लोगों को बताया ही गया है, उसे आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पर सोल्फ तारा और गेजर, सोल्फ तारा और गेजर की बात आप लोगों से कर लिया जाए, है ना। तो अगला आप लोग लिख लीजिएगा सोल्फ तारा, नेक्स्ट आप लोग लिख लीजिए सोल्फ तारा, दो तीन तो आप लोग लिख लीजिए, बाकी नोट्स में सब है ही आप लोगों के, लिख लीजिएगा सोल्फ तारा, सोल्फ तारा। अब देखिए सोल्फ तारा क्या है, सोल्फ तारा को देखा जाए कि जब ज्वालामुखी से राख एवं लावा निकलना बंद हो जाता है तो उसके बाद भी बहुत दिनों तक उसमें से विभिन्न प्रकार की गैसें, जलवाष्प, ये सब निकलता रहता है, जिसे हम लोग अंतिम अवस्था में या इस अवस्था में हम लोग सोल्फ तारा के नाम से जानते हैं, सोल्फ तारा के नाम से जानते हैं। और सोल्फ तारा में आप लोग देखें कि जो आप लोग क्या बोलेंगे उसको, सल्फर, गंधक, गंधक बड़े पैमाने पर इसमें से निकलते रहते हैं जो सोल्फ तारा को, गंधक मतलब सल्फर, गंधक निकलता है, गंधक का उत्सर्जन, इसे मैं लिख दूं समझ जाएंगे आप लोग। सोल्फ तारा में गंधक बड़े पैमाने पर निकलता रहता है, सोल्फ तारा में गंधक बड़े पैमाने पर निकलता रहता है, तो सोल्फ तारा को आप लोग लिख लेंगे। अगर उदाहरण चाहें आप लोग तो अलास्का का जो कटमई है ना, उसे आप लोग 10,000 धुआरों का एग्जाम्पल अगर लिखना चाहें, अब लिख सकते हैं अलास्का का, अलास्का का कटमई, अलास्का का कटमई सोल्फ तारा का उदाहरण है, जिसे आप लोग 10,000
धुआरों का, 10,000 धुआरों का देश भी आप लोग कहते हैं। ये जो कटमई वाला क्षेत्र है, यहाँ पर खूब आप लोगों को शल्फ तारा देखने को मिलता है, यहाँ से गंधक निकलता है। हो गया होगा, चल यहाँ थोड़ा सा आप लोग गेजर को देख लेंगे, गेजर को आप लोग देख लेंगे, गेजर गेजर और गर्म जो झरना है उसे भी देख सकते हैं। मेन आप लोगों का गेजर है, गेजर को आप लोग देख लेंगे। हो गया होगा, चल नेक्स्ट और लास्ट आप लोगों के लिए है गेजर। नेक्स्ट और लास्ट आप लोग लिख लेंगे गेजर, है ना, गेजर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, गेजर या गीजर आप लोग कहते हैं। गेजर क्या है, गेजर ध्यान रखेंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग से कुछ अंतराल के बाद गर्म जल का निकलना। देखिए ये रुक रुक के निकलता है, जबकि गर्म जल स्रोत जो होता है वह सिर्फ हमेशा निकलता रहता है। गर्म जल स्रोत हमेशा निकलेगा, लेकिन गेजर में हम लोग देखें कि अंतराल पाया जाता है। जैसे गेजर आप लोग ऐसे इसको याद रखेंगे कि आप लोग अगर गेजर की बात करें, जैसे अभी ठंडी चल रही है तो आप लोग पानी जब गर्म करते हैं तो गेजर से अगर पानी आप लोग गर्म करते हैं तो जब आपको जरूरत होती है तब आप करते हैं, ऑन करते हैं ऑफ करते हैं, मतलब अंतराल रखते हैं ना, लगातार तो गर्म रखते नहीं, तो अंतराल रखा जाता। लेकिन आप गर्मियों के समय में देखें कि कहीं कोई तालाब कोई झील हो और गर्म जल स्रोत मिल जाए आप लोगों को, अगर उसमें आप हाथ डालते हैं तो हमेशा आप लोगों को पानी गर्म मिलता है, उसमें अंतराल नहीं। लेकिन गेजर में आप लोगों को अंतराल मिलेगा, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों को जो मिलेगा, जो पूछा भी जाता है कमेंट करके आप लोग बताएंगे, जो इसका एग्जाम्पल आप लोगों को मिलता है वो यूएसए के ब्यूमिंग प्रांत में मिलता है, जिसका नाम आप लोग बताएंगे कि उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है ओल्ड फेथफुल। ओल्ड फेथफुल उसका नाम है, ओल्ड फेथफुल, और येलोस्टोन नेशनल पार्क वाला भाग है वहां पर। येलोस्टोन नेशनल पार्क में आप लोगों को दिखाई देता है, और इसमें अगर आपसे कोई अंतराल पूछ ले, अंतराल कितने समय का होता है, तो कोई बताए कितने मिनट का होता है, तो 63 मिनट का अंतराल होता है। हर 63 मिनट पर यह गर्म पानी बाहर की तरफ फेंकता है, हर 63 मिनट के अंतराल पर यह गर्म पानी बाहर की तरफ फेंकता है, ठीक है। और न्यूजीलैंड आइसलैंड में भी इस प्रकार के आप लोगों को देखने को मिलता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों का यही हो जाएगा। चलिए बाकी कई आपके स्थलाकृतियां हैं जिन्हें आप लोगों के नोट्स में दिया गया है, आप उसे देख लें, जो मेरे हिसाब से काफ़ी मेन मेन लग रहा है। उसमें सिंडर शंकु हो गया, सोल्फ तारा और गेजर, इन तीनों से सबसे ज़्यादा आपके परीक्षाओं में संभावना रहती है प्रश्न पूछने का, तो ये सब आप लोग क्लियर कर लेंगे बिल्कुल। यहाँ पर सुधांशु यादव जी का मैं देख पा रहा हूँ, रविंद्र निषाद जी का मैं देख पा रहा हूँ, एसपी यादव जी का येलोस्टोन नेशनल पार्क, हरिओम जी का 63 मिनट है, किरण मिश्रा जी का आ रहा है, तेजस्वनी जी का, सुधांशु गुप्ता, आरके का, सभी लोगों का आ रहा है 63 मिनट के अंतराल पर। तो ये तीन है, तीनों को आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। और इस पीडीएफ को आप प्राप्त करने के लिए अब हम लोग कल पढ़ेंगे भूकंप, ज्वालामुखी हम लोगों का समाप्त है, जो मेन मेन पॉइंट्स आप लोगों का है, इतने से आप लोगों का काम हो जाना है। इतने से जितनी चीज़ें पढ़ाई गई है, आप लोग पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो सभी जो प्रश्न हैं वो क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के। अगर इस पीडीएफ को आप लोगों को प्राप्त करना है तो सबसे पहले आप लोग को ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम,
टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे और टेलीग्राम में जाके लिखेंगे एग्जाम तर्कस, एग्जाम तर्कस इंडिया, एग्जाम तर्कस इंडिया आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करेंगे। अगर ज्योग्राफी की जो ये सब पूरी पॉइंट्स लिखी गई है, एक एक पॉइंट्स जो लोग ज्योग्राफी लिए होंगे वो देख पा रहे होंगे कि कुछ भी आपका उसमें मिस नहीं हो रहा होगा, बल्कि एक्स्ट्रा ही सब कुछ आप लोगों को मिल रहा होगा लिखा लिखाया। तो फायदा आप लोगों को हो जाएगा कि समय आपके पास है कम, आप लेक्चर को सुनिए और अधिक से अधिक चीज़ों को आप पढ़ते चलें, तभी आप लोगों का काम हो पाएगा। तो नोट्स के लिए अगर ज्योग्राफी की नोट्स आप लोगों को 3 प्रति में है अगर मंगानी है तो उसके लिए आप लोग कॉल कर सकते हैं 9559574710 पे आप कॉल कर लेंगे, या कोई भी समस्या प्रॉब्लम कुछ भी आप लोगों के सामने हो तो इस नंबर पे आप कॉल करके बता सकते हैं, इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो क्लास है इस क्लास को आप एप्लीकेशन पे भी देख सकते हैं। और यह एप्लीकेशन आप लोगों को मिलेगा कहाँ पर, तो जो गूगल प्ले स्टोर होता है ना, जहाँ से फेसबुक व्हाट्सअप इंस्टाग्राम तमाम ये सब चीज़ें आप लोग डाउनलोड करते हैं, उसी को आप लोग गूगल प्ले स्टोर कहते हैं। उसी गूगल प्ले स्टोर में आप लोग जाएंगे तो उसमें जाके सर्च करेंगे एग्जाम तर्कस, एग्जाम तर्कस, एग्जाम तर्कस आप लोग सर्च करेंगे। जब एग्जाम तर्कस आप लोग सर्च करेंगे ना तो आप लोगों को एग्जाम तर्कस लिख के आ जाएगा और उसमें जाके पूरा आप लोग डिटेल भर के रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्टर में आप लोगों को क्या क्या करना है, जैसे आप अपना नाम डाल लेंगे, ईमेल आईडी डाल लेंगे, मोबाइल नंबर डाल लेंगे, ये सब कुछ आप लोग उसमें डाल लेंगे तो आप लोगों का रजिस्टर हो जाएगा। फिर इसके बाद आपके सामने कुछ इंटरफेस इस तरह से खुल के आएगा, इसमें कई चीज़ें आप लोगों को जैसे एक नंबर पे कोर्स और सब चीज़ें इस तरह से आप लोगों को मिलेगा। तो इसमें कोर्स में आप चले जाइए और जो भी कोर्स आप लोगों को वहाँ पर इंजॉय करना है, देखना है, पढ़ना है, क्रमबद्धता से सब कुछ आप लोगों को लेना है, उसी के सामने क्लास भी मिल जाएगी और क्लास की तुरंत आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगी। और क्लास को आप लोग चाहें तो डाउनलोड करके भी रख सकते हैं, डाउनलोड करके भी रख सकते हैं, और डाउनलोड करके आप रख लीजिए और फिर इसके बाद आप उसको जब टाइम मिले तब आप लोग पढ़ भी सकते हैं। ये सब पूरी जानकारियाँ आप लोगों के लिए रही, ये सब पूरी जानकारियाँ आप लोगों के लिए रही। तो एक बार आप सभी लोगों का कमेंट आया कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा, आप लोगों को सेशन कैसा लगा एक बार आप लोग कमेंट करें। प्रेम जी आपके नोट्स बहुत ही बेहतरीन है, मुझे लग रहा है प्रेम जी को मिल चुका होगा। चलिए धन्यवाद प्रेम जी आपका। संदीप कुमार जी का वेरी नाइस क्लास सर जी, ऐसे लिख के आ रहा है। विकास यादव जी का आ रहा है, सभी लोगों का यहाँ पर आ रहा है। सुधांशु गुप्ता जी का, सभी लोगों का कमेंट आ रहा है। चलिए अब यहीं पर हम क्लास को स्टॉप करते हैं और शाम को 9 बजे क्लास रहेगी। ध्यान रखेंगे आज संडे है तो शाम को 9 बजे हम लोगों की क्लास रहेगी। कितने बजे? 9 बजे। और पर्यावरण पर आधारित रहेगी, कहानियां पर्यावरण की। 9 बजे टॉप 50 हम लेके आएंगे रात में 9 बजे, है ना। रात में 9 बजे आप लोगों के लिए क्लास आएगी। कैसा लगा सेशन एक बार आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। और कल जो सुबह 7 बजे की क्लास रहेगी वो भूकंपों पर रहेगी। किस पर रहेगी? भूकंपों पर। तो यही, इसी के साथ हम समाप्त करते हैं और रात को 9 बजे आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। निस्वार्थ भाव से ज्ञान, यही है एग्जाम तर्कस की पहचान। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हिंद। जय हिंद साथियों, मैं उमेश हिराम टीचिंग के लिए टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट एवं जेआरएफ के लिए भूगोल की बेहतरीन क्लासेस अब मैं लेकर आ रहा हूँ आपके अपने एग्जाम तर्कस यूट्यूब चैनल पर। तो आज ही सब्सक्राइब करें और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।